सो नाउ विल सी जेंडर इनइवालिटी एंड वमेन्स लो सोशल स्टेटस डीपली इंट्रेंस जेंडर इनइवलिटीज आर एट द रूट ऑफ द हाई रेट ऑफ मेटरल मोर्टेलिटी एयर हेल्थ एंड अंडर न्यूट्रिशन एन मैनी लो इनकम कंट्रीज हम ये देख रहे हैं कि जो डेवलपिंग या लो इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पे जो माएँ हैं जो बच्चों को जन्म दे रही हैं उनकी अमवात सबसे ज्यादा हो रही हैं आप ये देखिए कि आफ्टर एवरी टू मिनट्स इज डाइंग फ्रॉम मेटरनल काजेज अब बीस के अंदर ऐसा था कि हर दो मिनट के बाद एक माँ जो है वो महज मैल न्यूट्रिशन होने की वजह से या गैर सेहतमंद होने की वजह से मर रही थी बच्चे की पैदाइश के वक्त तो अब ये देखिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है उसकी वजह या कम्प्लीकेशन हैं बहुत सी कम्प्लिकेशन जो मेटरनल जो बच्चे की बर्थ के वक्त हो रही अब ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये इंटरनल भी हैं और ये एक्सटर्नल भी हैं इंटरनल तो ये कि माँ की सेहत ही अच्छी नहीं थी या वो सोशल या इमोशनल प्रेशर में थी आपने देखा होगा कि बहुत दफ़ा जो बच्चे माएँ ऐसी हैं जिनकी बेटियाँ पहले ज़्यादा हो रही हैं तो वो इस प्रेशर में होती हैं कि क्या इस दफ़ा हमारा बेटा होना है कि नहीं होना सो so, ये भी प्रेशर है फिर उसके घर वालों की तरफ़ से भी उसके ऊपर प्रेशर होता है फिर उसने कुछ गज़ा अच्छी नहीं ली हुई होती तो फिज़िकली भी कमज़ोर भी है और प्रेशर में भी है फिर अगली बात यह है कि जहाँ उसने जाना है चाइल्ड बर्थ के लिए तो वहाँ उसको वो फैसिलिटीज़ मैसर नहीं है और अगर उसको हॉस्पिटल मिल ही गया है तो वहाँ इतना पॉपुलेशन इतनी है रश इतना है कि वहाँ भी उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा तो ज़ाहिर है फिर अमवात की शरह तो बढ़ेगी सो वीक हेल्थ सिस्टम स्पेशली मेटरनल हेल्थ केयर अब ये होता है कि जब ये हमें बच्चों को माएँ जनने जो बच्चे जनने वाली माएँ हैं जब ये हॉस्पिटल्स में जाती हैं तो वहाँ पे उनको जो प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए और जो सैनिटेशन होनी चाहिए और जो इस तरह के सारे इंडिकेटर्स uh, जो हैं वो पूरे नहीं किए जाते और बाज ऐसे uh, गली मोहल्लों के या इस तरह की uh, जगह होती हैं जहाँ पर uh, बच्चे जो हैं वो ठीक से पैदा नहीं हो सकते तो तब भी माँ की uh, जो है वो uh, मौत वाक़ हो जाती तो अब है क्या कि नेशनल और मेटरनल एंड नियोनेटल हेल्थ पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ आर रिकमेंडेड तो इसके लिए पूरी दुनिया के अंदर यूनिसेफ और यू एन ओ जो जो हमारे पूरी दुनिया के इदारे हैं उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्ट्रेस किया है एम्फसाइज किया है कि वो जच्चा बच्चा की सेहत के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सहूलियात जो हैं वो दे दी जा सके अब इन पॉलिसीज़ के तहत जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं माँ को बच्चे की पैदाइश के लिए तकरीबन आठ इंडिकेटर और चार विज़िट्स उसको ज़रूर चाहिए कि भाई वो ज़रूर बच्चे की पैदाइश से पहले चार दफ़ा जा के अपना मुआयना करवाए हस्पता में और हमारे यहाँ ये हाल है कि बच्चा जो है वो उससे पहले तो क्या उसका विजिट्स होंगे जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आता है उस वक्त भी उनको सहूलियात जो है वो मैसर नहीं होती तो उसके अलावा जो इंडिकेटर्स हैं कि बच्चे की कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो ठीक हो रही है लिम डेवलपमेंट ठीक हो रही है या उसमें माँ के पेट में पानी या लेकर तो ज़्यादा नहीं है और इसके अलावा बहुत से इंडिकेटर्स हैं जिनको अनोमलीज़ वग़ैरह कहा जाता है वो इंडिकेटर्स चेक करने के लिए जब मौका नहीं मिलता तो फिर भी पैदाइश के वक्त बच्चे की सेहत भी मशकूक होती है और उसकी माँ की भी मौत वाक़ हो सकती है और कई दफ़ा साथ में बच्चे की भी मौत वाक्य हो जाती है तो इन पॉलिसीज़ पे और पे अमल दरामद करना जितने भी ममालिक हैं ख्वाब डेवलपिंग हों ख्वाब डेवलप्ड हों उनका फ़र्ज़ है